गाइस ये वाला मेरा चूजा जो है ना वो मरते मरते बचा। फ्रेंड्स क्या हाल चाल, ठीक ठाक। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी जो बादल है ना वो भी आ चुका है, तो बादल अभी आ रहे हैं, अभी आ नहीं चुका, अभी आ रहे हैं काला काला बादल इससे पहले कि बारिश स्टार्ट हो। तो अभी बाइक को लेके ना निकलते हैं और इसका जो मसला है ना वो हल करवाते हैं। वैसे आपने देख लिया कि बाइक का जो मिरर है वो भी मैंने एलपी के साथ जोड़ दिया, तो अभी उम्मीद है कि हिलेगा नहीं, इंशाल्लाह ठीक ही रहेगा। अभी चलते हैं, बाइक निकालते हैं और इसे मैकेनिक के पास लेके चलते हैं, का जो इशू है ना वो ठीक करवाते हैं। अभी एक बार ना मैं खुद चेक कर लूं कि बाकी इशू अभी भी है कि नहीं है, क्योंकि कल मैंने पेट्रोल जो था ना आपने देख लिया कि वो डलवाया था। तो अभी देखते हैं कि अभी स्टार्ट होती है कि नहीं होती। नहीं हो रही स्टार्ट, तो अभी इसे लेके चलते हैं। हमारे पास ही एक मैकेनिक बैठता है, तो अभी मैं उसके पास गया था तो उससे पूछने के लिए कि उसके पास अगर टाइम आया तो मैं बाइक ले आऊँ। उसका बड़ा भाई बैठा था, तो वो कह रहा है जो जिस बाइक को काम आता है वो आज आया नहीं है, तो हड़ताल है पूरे मुल्क में। जब मुझे तो पता नहीं इस बात का, वो कह रहा है कि पूरे मुल्क में चक्का जाम हड़ताल चल रही है, जिसकी वजह से वो नहीं आ सका। बाइक जो है वो चलने के काबिल नहीं है, तो एक और मैकेनिक है लेकिन वो दूर है, वहां तक ले जाने के लिए दो धक्का लगाना पड़ेगा। इतनी हिम्मत नहीं है कि रोजाना ही धक्के लगाएं और इतने ज्यादा लंबे धक्के लगाएं, तो अभी बाइक को इधर ही खड़ा रहने देंगे। अगर हो सके तो मैं खुद कोशिश करूंगा पंगा लेने की, वैसे ना ही लूँ तो अच्छी बात है। वैसे अगर मैं जहन में आ गया ना कि पंगा लेना है तो फिर मैंने ले लेना है, तो अभी फिलहाल बाइक का कुछ नहीं होता था। अगर मेरे जहन में आ गया ना पंगा लेने का तो फिर मैं इंशाल्लाह ना पंगा लूंगा और इंशाल्लाह खुद चेक करेंगे कि ये मसला हल होता है मेरे से कि नहीं होता। तो खैर नहीं तो फिर कल मुल लड़का आ जाएगा, उससे करवा लेंगे। रोजाना ना बारिशें होती हैं, तो एक दिन छोड़ के एक दिन बाद तकरीबन बारिश हो जाती है, तो इन्हें भी पानी जो है लगता रहता है काफी ज्यादा मकदार में। अभी भी पानी अंदर खड़ा है, तो ये भी माशाल्लाह हरे भरे हो गए और ग्रो करने स्टार्ट कर दिया उन्होंने। काफी देर ना ये ग्रो नहीं कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि ये खत्म हो जाएंगे, लेकिन बारिशों की वजह से ना इन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया। ये चेक करें पानी की तरह यहाँ पे, तो सारा जो ग्राउंड है ना पानी से बड़ा बड़ा, वैसे खेत है यहाँ पे तो सारा जो है ना पानी से बड़ा बड़ा है। अभी वैसे मैं जा रहा हूँ अब्बू जी को बैंक से लेने के लिए, तो अब्बू जी की कॉल आई थी कि आ जाओ मुझे ले जाओ, तो अभी अब्बू जी को लेने जा रहा हूँ मैं। चलो बैठ जाओ। आ रहा जो बटो हाँ पवा लिया, हाँ पवा लिया देगा, बाकी 150 का रहता है वो पवा लेना, और 150 का रहता है। अभी दो चार काम है अब्बू जी के, तो वो करते हैं तो फिर चलते हैं घर। थोड़ा सा सामान वगैरह लेना है, सब्जी वगैरह लेनी, सब्जी तो खैर नहीं फल फ्रूट वगैरह, और दो चार काम है वो करके फिर चल जाएगा। चले जी पहुंच चुके हैं घर, तो अभी खाते हैं खाना। प्लेट इधर पड़ी है,
तो खाने में है जी ये दाल, ये पता नहीं मसूर की दाल है कि मूंग की दाल है, पता नहीं कौन सी है, तो ये खा लेते हैं अभी। अभी मैं छत में आया तो मैंने देखा ये जो ये आपको नजर आ रही है ना, तो इसे क्या कहते हैं यार, मेरे जेहन से निकल गई है। तो कौन सा जानवर कहते हैं यार, मेरे जेहन से निकल गया इस परिंदे का नाम। तो ये परिंदा ना अभी मेरे चूजों के यहाँ पे बैठा हुआ था, ये यहाँ पे बोतल नहीं पड़ी यहाँ पे, और इस तरफ देख रहा था, पता नहीं इसे भूख लगी है या क्या मसला है। तो ये यहाँ पे बैठा उनकी तरफ ही देख रहा था। तो अभी मैं आया हूँ तो उठ के ना तो वहाँ पे चला गया। तो खैर है मैं अभी वहाँ पे जाया नहीं, मैं क्या उड़ना जाए, लेकिन वो यहाँ से उड़ के वहाँ पे चला गया। आज जब मैं वहाँ पे जाऊँगा ये उड़ के चला जाएगा। अभी भी बैठा है यहाँ पे, अभी नहीं उड़ा, अभी भी बैठा है, बैठा है बैठा है, अभी भी नहीं उड़ा, अभी भी नहीं उड़ा, बैठा उड़ गया उड़ गया। तो यार क्या कहते थे इसे, मेरे जेहन से निकल गया, पता नहीं क्या कहते। एक परिंदा यहाँ पे बैठा हुआ, तो ये पता नहीं किस इंतजार में बैठे, मेरे ख्याल में ना इसके अंदर कुछ चूंजे मारता रहता आगे। ये देख, ये देख, ये छापे वगैरह फाड़ दिया ना इसका, तो इसमें से मेरे दाने निकाल दिया आगे, तो इसका ये हाल कर दिया। तो ये परिंदों ने किया, ये वाला मेरा चूजा जो है ना वो मरते मरते बचा है। तो अभी मैं आया था ऊपर इन्हें दाना वगैरह डालने के लिए, तो ये चोट वगैरह ना इसकी आप देख सकते हैं यहाँ पे आई हुई है, और एक इसके पाँव में चोट है वो आई हुई है। वो कुछ इस तरह का मैं भी आया था दाना डालने के लिए, तो मैंने जब यह खोला ना तो अंदर मैंने देखा ये इस तरह ना फंसा पड़ा है, तो वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मुझे मैं अभी ये खोला ही है, तो मैंने वीडियो ऑन करने से पहले मैंने देखा बेचारा ना यहाँ पे ये इस तरह आगे को था, तो वहाँ पे उसकी ये गर्दन है ना फंसी हुई थी, और ये आराम से मैंने तो एक मरतबा सोचा है, मैंने कहा पता नहीं मर चुका है, ओए होए 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 बेचारा जख्मी भी हुआ हुआ है। तो अभी मैं देखता हूँ इसका कुछ करना पड़ेगा। बेचारा ये तू फंसा कैसे वहाँ पे जाके, मतलब मैं ये बता यार, घबराया भी लग रहा है मुझे। तो वहाँ पे इसने जाकर ना गर्दन अपनी फंसाई हुई थी, बड़ा गंदा फंसा हुआ था। तो शुक्र मैंने तो समझा मर गया, तो अभी बचा, शुक्र है बच गया। मेरे तो एक मरतबा ना रंग उड़ गया, मैं क्या जो एक तो गया मेरा, मुझे ये नहीं समझ आई। मैंने कहा कल तक तो ठीक था, तो अचानक इससे क्या हुआ है। तो जैसे मैंने ये हिलाया ना ये वाला चीज, तो उठ के भाग गया, तो वहाँ पे चोट भी इसके आई हुई। तो पता नहीं लड़ते रहे हैं क्या करते रहे, इसके पाँव में भी चोट है, पता नहीं क्या करते रहे हैं। अभी काफ़ी देर से मैं इसके ऊपर ही नजरें रखा हूँ, तो इसकी जो मैं देख रहा हूँ सूरत कैसी है, तो माशाल्लाह एक्टिव है। मुझे जो लग रहा है ना कि ये वहाँ पे किसी शिकार की तलाश में गया था, मतलब ये मक्खियाँ वगैरह काफ़ी फिर रही हैं या कोई मच्छर वगैरह होगा, तो उसके शिकार में मैं वहाँ पे गया और फंस चुका है। पता नहीं कब का फंसा होगा, अब मुझे नहीं पता सुबह का फंसा है, लेकिन माशाल्लाह अभी तो एक्टिव है, खुराक वगैरह अपनी खा रहा है, तो काफी ज्यादा। बाकी चोट वगैरह इसे लगी है, तो ये नहीं समझ आई ये इन्होंने निकालने के लिए लगा दी है कि क्या मतलब, ये नहीं मुझे समझ आई इसकी मदद करते वक्त लगा दी है क्या लगाई दी। लेकिन अभी मैंने ना उसे फुल दीवार के साथ लगा दी है, ताकि यहाँ पे कोई भी ना दोबारा कोई ऐसा वाकया ना पेश हो। तो एक इनका बचपन का मेरे पास, वो भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो वो भी इस तरह ही था बचपन का इनका मेरे पास, क्या कहते हैं यादें कह लें। तो तब भी ये ना जाके फंस चुका था और उल्टा हो गया था और फंस गया था वहां पे मैं खा अलमारी है वो नीचे पड़ी है वहाँ पे, तो मैंने निकाला था, अगर मैं कमरे में ना होता और ये फंस जाता आज फिर वही सूरत हाल, पता नहीं यही वही था, यही नहीं अब मुझे पता इनमें से कौन सा था, लेकिन सूरत हाल इस तरह की थी। वो भी रिकॉर्ड नहीं मैंने की थी, और ये भी मैंने रिकॉर्ड नहीं की, वो शायद रिकॉर्ड की होगी पता नहीं, तो ये नहीं मैंने रिकॉर्ड की। मैं एक मतलब समझा, मैंने कहा पता नहीं मर चुका है, फिर मैंने कहा कि नहीं यार इसे देखते हैं शायद इसके कुछ सांस बाकी हो, तो ये मैं वीडियो बनाने में निकाल, इसलिए मैंने उसे पहले हिलाया कि ताकि देखूंगी बच चुका है कि मर चुका है। तो शुक्र है बच गया, अभी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और अपनी खुराक वगैरह खा रहा है।